नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2024-25 के अंतर्गत ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जो प्रवेश प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। और इसमें जो आपका CLC थर्ड राउंड है वो भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और आज से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप जो है आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, आपका जो मैट लिस्ट है वो किस डेट में जारी होगा, और जिन भी छात्र छात्राओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर उनका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया है तो वो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे। हमने जो है मुख्य पोर्टल ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जो समय सारणी है वो आप देख सकते हैं CLC थर्ड राउंड के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश अपना एडमिशन नहीं ले पाए हैं और कक्षा 12वीं का जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है MP बोर्ड का वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, तो जो छात्र छात्राएं पास हो चुके हैं वो यहाँ पे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए CLC तृतीय चरण की जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो PDF है इसे ओपन करते हैं। PDF ओपन होने के बाद आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताएंगे कि यहाँ पे आपका किस डेट में क्या प्रोसेस होने वाला है। 1/8/2024 को यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट किया गया था, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र छात्राएं समय सारणी का विशेष ध्यान देते हुए CLC तृतीय चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया है 2/8/2024 से 10/8/2024 तक चलेगी। इस बीच में ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, कॉलेज चॉइस फिलिंग करना है और एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना है। अब आपका अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आप जो है तृतीय चरण की जो CLC राउंड है उसमें अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2/8/2024 से 5/8/2024 के बीच में कर सकते हैं। 2/8/2024 से 5/8/2024 के बीच में आपको आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, चाहे आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाले हैं। साथ ही इसी बीच आपको आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग भी करना है। जिन छात्र छात्राओं ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था और उन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो वो अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग भी 2/8/2024 से 5/8/2024 के बीच में कर सकते हैं। इस बीच आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे अगर वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होते हैं, किसी प्रकार का त्रुटि सुधार होता है तो 2/8/2024 से 5/8/2024 तक आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन होगा। अगर त्रुटि सुधार होता है तो फिर कॉलेज जाकर आप सुधार करा पाएंगे। फिर इसके बाद CLC तृतीय चरण की जो मैट सूची है वो किस डेट में जारी होगी, तो 7/8/2024 को आपका मैट सूची आएगा, मैट लिस्ट आएगा। इसमें आपको कॉलेज आवंटन होगा और 7/8/2024 से 10/8/2024 तक आपको कॉलेज में आवंटन दिया जाएगा। अगर आपका नाम कॉलेज में आ जाता है तो इस डेट के बीच में ही आप अपना शुल्क भुगतान कर एडमिशन ले पाएंगे। तो समस्त उम्मीदवार, समस्त छात्र छात्राएं जो यहां पर CLC थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वो अपना 7 तारीख, 8, 9 और 10 चार दिन के लिए आप अपना जो है अलॉटमेंट लेटर चेक करेंगे, और जिनका नाम जिस डेट में आ जाता है आप उस डेट में फीस पेमेंट कर अपना एडमिशन ले पाएंगे। ये जो है अंतिम प्रक्रिया हो सकती है, इसके बाद रिक्त सीटें बची तो प्रोसेस बढ़ेगी, अन्यथा ये अंतिम चरण यहाँ पर हो सकता है। तो समस्त छात्र छात्राएं ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन एवं कॉलेज चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे CLC तृतीय राउंड में बहुत से छात्र अभी रुके हुए हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया हुआ है, और साथ ही रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत भी जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसमें जो छात्र छात्राएं पहले आवेदन नहीं कर पाए थे वो यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।